ओके सो आज की वीडियो मेरी है कि दैट हाउ टू डिज़ाइन अ टी शर्ट इन अडोब फोटोशॉप. अक्सर आपने टी शर्ट देखे होंगे जिनके ऊपर टेक्स्ट लिखे होते हैं, किस तरह से वो अडोब फोटोशॉप में डिज़ाइन कर सकते हैं, इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो है. आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लीव योर कमेंट्स. ओके तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक टी शर्ट ली है, यहाँ पे मैंने एक एक्चुअली पिक्चर ली है जो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है ब्लैक टी शर्ट की. तो ये हमारी पिक्चर है, ठीक है. और उसके बाद यहाँ पे मैंने टेक्स्ट पहले से लिखे रखा हुआ ताकि टाइम वेस्ट ना हो और ज़्यादा वीडियो यूज़ ना. ये जो नेवर वाला टेक्स्ट है इसको, ये बैड क्रंच टेक्स्ट है, डिफॉल्ट पे बहुत सारे टेक्स्ट मिल जाते हैं, वहीं से मैंने इसको डाउनलोड किया है. और उसके बाद मैंने इसके कलर को चेंज कर दिया है, इसको वाइट कलर कर दिया है. उसके बाद मैं ये इस नेवर को यहाँ पे जो हमारी पिक्चर है ब्लैक कलर की टी शर्ट वाली, उधर मैंने इसको ड्रॉप किया है. ट्रांसफॉर्म स्केल की हेल्प से मैंने इसे रिसाइज किया है. रिसाइज करने के बाद अब मैंने दूसरा टेक्स्ट जो हमारा है गिफ्ट, उसको मैं यहाँ पे ले आई हूँ और आपको भी यहाँ पे लेके आ गई हूँ दो हमारी लेयर के ऊपर. अब मैंने क्या किया है कि मैं यहाँ पर नीचे गई हूँ, एड अ लेयर किया है, लेयर मास्क नहीं किया मैंने, क्रिएट अ न्यू लेयर किया है. एक्चुअली क्रिएट अ न्यू लेयर करने के बाद मैं यहाँ पे मैंने ब्रशेस में गई हूँ. ब्रशेस में जाने के बाद मैंने यहाँ पे पहले से ही मैंने इंटरनेट पे क्या कहते हैं एक सेट एक वेबसाइट है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, उस वेबसाइट से मैंने ब्रशेस डाउनलोड करके रखे हुए थे. तो ये ब्रश का ये ग्रंच ब्रश है, इसको मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है. तो ये मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, ये काफ़ी अच्छा लगता है टी शर्ट के ऊपर. तो बिल्कुल इधर मैंने इसको ब्रश को मैंने इसको थोड़ा सा ब्लू कलर का मैंने ब्लू कलर यूज़ किया है, और मैंने इसको यहाँ पे मैंने इस ब्रश को लिया है. अब यहाँ पे हम चाहें तो इसकी ह्यू सैचुरेशन को भी चेंज कर सकते हैं, कलर को ह्यू सैचुरेशन वगैरह हमारे कौन से कलर करने, लेकिन मैं ब्लू ही रख रही हूँ. तो ये हमारी थी टी शर्ट. आई होप कि आपको इंटरेस्टिंग लगी हो और मज़े की लगी हो और अच्छी लगी हो. अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इट एंड प्लीज़ लीव योर कमेंट्स. और अब आपको पता चलेगा कि कितना आसान है अडोब फोटोशॉप में टी शर्ट्स को डिज़ाइन करना. सो टी शर्ट डिज़ाइन करने का एक और तरीका भी होता है, शॉर्टकट में मैं बता देती हूँ. सबसे पहले क्या करना है कि मैंने एक रेड कलर की टी शर्ट ली, उसके बाद मैं फाइल एडजस्टमेंट में गई, एडजस्टमेंट में जाके मैंने डीसेचुरेट कर दिया, तो ये पिक्चर का कलर ग्रे हो गया, ठीक है. मैंने इसके PSD फॉर्मेट पहले से सेव करके रखी हुई है. PSD फॉर्मेट में मैंने पहले से वो जो हमें बैकग्राउंड इसमें अंदर डालना पिक्चर मैंने पहले से सेव करके रखा है, तो मैंने PSD फॉर्मेट इसकी ओपन कर लिया, ठीक है. उसके बाद यहाँ पर ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे ये एक लैंडस्केप की पिक्चर है, एक ब्यूटीफुल सी पिक्चर है, इसको मैंने क्रिएटा क्लिपिंग मास्क कर दिया. एड अ लेयर मास्क करने के बाद यहाँ पे मैंने ब्रश टूल का यूज़ किया. ब्रश टूल करने के बाद मैंने वही उसको थोड़ा सा इरेज किया, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने एक पिक्चर डाली है. प्लेस फाइल प्लेस लिंक में जाकर मैंने एक एक्टर की पिक्चर ली है, आप किसी की पिक्चर भी ले सकते हैं. तो उसको लेने के बाद मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म स्केल की वजह से इसको थोड़ा सा एडजस्ट किया. उसके बाद इसे भी मैंने क्रिएटा क्लिपिंग मास्क कर दिया, और फिर उसके बाद इसकी मैंने जो ब्लेंड मोड है उसको मैंने लाइटन कर दिया, और सॉरी इसके ब्लेंड मोड को मैंने थोड़ा स्क्रीन कर दिया. और उसके बाद मैंने यहाँ पे एड अ लेयर मास्क किया, और फिर दोबारा से मैंने ब्रश टूल का यूज़ किया. फॉन्ट कलर मेरा ब्लैक है, और मैंने ये जो इसका वाइट वाइट पार्ट है, जो बैकग्राउंड वाला पार्ट है, मैंने थोड़ा सा इसका रिमूव कर दिया ताकि बिल्कुल लगे कि पिक्चर इसके अंदर डिज़ाइन हुई हुई है. तो इस तरह तरीके से हमारी शर्ट ये जो शर्ट है डिज़ाइन हो गई है, तैयार हो गई है. देखा कितना आसान तरीका है अडोब फोटोशॉप में टी शर्ट्स को डिज़ाइन करने का. आई होप कि आपको ये बात नहीं पता होगी कि फोटो अडोब फोटोशॉप में भी टी शर्ट्स डिज़ाइन हो सकती हैं कितनी आसान तरीके से. तो आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग इट.